ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल π/6। ठीक है, एक्सेस को रोटेट कर रहे हैं एंगल π/6 से, तो हमारा थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज π/6। फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस, यानी कि हम लोग को ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन यानी कि कैपिटल एस और कैपिटल वाई में इक्वेशन मालूम करना है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है वो कौन सा इक्वेशन है, दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना ये क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके आप खुद ही से सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए। ठीक है, नहीं आने पर आप फिर मेरा जो है ना सोल्यूशन देखिए। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट। ठीक है, एक बार ट्राई करिए आप। वॉट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन ओरिजिनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2√3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। और इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल टीटा, जो कि टीटा क्या है हमारे पास π/6 है। ठीक है, और ये कितने डिग्रीज होगा, π/6 मतलब इसको डिग्रीज में आप लोग ने वैल्यूज याद किया है ना 10th में, इसीलिए मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करी हूं ताकि आपको वैल्यूज इजीली रिकॉल हो जाए। पाई मतलब कि इट इज 180 डिग्रीज। ठीक है, 180/6 डिग्रीज/6, 616, 6 3 is 18, 0 0, इट इज 30 डिग्रीज। ठीक है, π/6 रेडियंस इज 30 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देखिए इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। अब आप यहाँ पे देखिए हम लोग को ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मालूम करना है, यानी कि हम लोग को ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है। ओरिजिनल इक्वेशन मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में दिया हुआ है, तो हम लोग को स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को सब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। तो स्मॉल एक्स कैसे आएगा, गोइंग रो वाइज, ऐसे जाने पर हम लोग को स्मॉल एक्स आएगा। एम्प्लाइज स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस 30 डिग्रीज माइनस वाई साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स साइन 30 डिग्रीज प्लस कैपिटल वाई कॉस 30 डिग्रीज। ठीक है, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कॉस 30 इज व्हाट, √3/2। ठीक है, माइनस, आई होप आपको 18th स्टैंडर्ड से याद है ये वैल्यूज, राइट। ठीक है, माइनस कैपिटल वाई साइन 30 इज 1/2। ठीक है, स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स साइन 30 इज 1/2 प्लस कैपिटल वाई इंटू कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2। ठीक है, तो अब हम लोग को स्मॉल एक्स क्या आएगा, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू √3x माइनस y/2 एंड स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस √3y/2। ठीक है, तो ये हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को जो है ना ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगा। एक्स स्क्वायर, मतलब ये स्मॉल एक्स स्क्वायर जो कि हमारा है √3x माइनस वाई बाई टू होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू एक्स, एक्स इज व्हाट, √3x माइनस y/2। What is my y? x plus √3y/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। कैपिटल एक्स प्लस √3y/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आई है। अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं। एम्प्लाइज √3x माइनस वाई होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, 2 स्क्वायर इज 4 ना, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √3x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस √3y बाई 2 इंटू 2 इज 4 माइनस एक्स प्लस √3y बाई √3y होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ठीक है, हम लोग के पास यहाँ पे 4 एलसीएम है, यहाँ पे हम सेंड कर सकते हैं तो इट विल बी, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर। माइनस b होल स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a √3x होल स्क्वायर क्या रहेगा माँ, विच इज इम्प्लाइज √3 होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर और ये रूट चला जाएगा तो इट विल बी 3 और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर तो इट इज 3x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 × √3 × xy, ठीक है, 2ab, ठीक है, बाई 4 प्लस 2 × √3 ×, ये कैसे फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 × x इज √3x स्क्वायर, √3x × √3y इज 3x × √3y, √3 × √3 3, x × y xy, तो 3 प्लस 3xy, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी प्लस प्लस है इसीलिए। माइनस y × x इज -xy, -into+ - y × √3y इज √3y स्क्वायर, ठीक है, बाई 4 माइनस a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 √3xy/4, ठीक है, इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। 4 LCM है, हम 4 LCM लेकर यहाँ पे सेंड कर सकते हैं 2a स्क्वायर से, तो 2a स्क्वायर से 4 मल्टीप्लाई हुए बनेगा 8a स्क्वायर, ठीक है, और ये टर्म्स हम लिखेंगे अब 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 √3xy प्लस, अब यहाँ पे सभी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 से, ठीक है, 2 √3 × √3, 3 × √3 × √3 3, 3 × 2 6x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एक्सपैंड करने से पहले xy से करने से पहले यहाँ पे देखिए प्लस 3xy माइनस xy, 3xy माइनस xy विल गिव मी 2xy, 2√3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 2 × 2 विल गिव मी 4, 4 × √3xy, ठीक है, बात समझ में आई आपको। और यहाँ पे √3 × √3 3, 3 × 2 6 माइनस 6y स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास माइनस साइन है, प्लस टू माइनस माइनस, ठीक है, इसीलिए माइनस, यहाँ पे सभी टर्म्स को माइनस से एक्सपैंड कर लीजिए तो इट विल बी -x स्क्वायर माइनस इनटू प्लस माइनस 3y स्क्वायर माइनस इनटू प्लस माइनस 2 √3xy इक्वल्स टू 4, यहाँ पे जाके बनेगा 8a स्क्वायर, ठीक है, इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज। नेक्स्ट x स्क्वायर टर्म्स कितने हैं हम लोग के पास, 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल गिव मी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर विल गिव मी 8x स्क्वायर, ठीक है, 8x स्क्वायर, ठीक है। अभी नेक्स्ट y स्क्वायर टर्म्स, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर एंड दिस इज y स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए -6y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर कितना होगा, -9y स्क्वायर, कैसे है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 + 3 = 9, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो इसीलिए -9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, -9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल गिव मी व्हाट, -8y स्क्वायर, ठीक है, 9 - 1 = 8, -8y स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए -2√3xy minus 2√3xy will give me -4√3xy, और यहाँ पे प्लस 4√3xy, ये कैंसिल हो सकता है तो ये सारे टर्म्स को मैं कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है, कैंसिल हो गया है, इक्वल्स टू, अब लेफ्ट ओवर टर्म्स है और कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं है हम लोग के पास, ठीक है, डायरेक्टली ये वैल्यू लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू 8a स्क्वायर। मैं यहाँ से 8 कॉमन ले सकती हूँ, अगर मैं 8 कॉमन लूंगी तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 8a स्क्वायर, 8 कैंसल्स, इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग को जो है ना हमारा इक्वेशन आ गया है। देयरफॉर द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है, अगर आपको समझ में नहीं आने पर प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है, आई ट्राई टू रिजॉल्व, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, आई वांट आप ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करें। व्हेन द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा, हम लोग को कुछ भी डिग्रीज दिया हुआ नहीं है, हम लोग को एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, थीटा क्या है वो यहाँ पे हमारे पास अल्फा है, ठीक है ना। फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस, तो यानी ये जो इक्वेशन गिवन है वो कौन सा इक्वेशन है, दैट इज द ओरिजिनल इक्वेशन। तो हम लोग को क्या मालूम करना है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मालूम करना है। ठीक है, थीटा कितना है हमारा, अल्फा। तो आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस। ठीक है, ट्राई करिए और सोल्यूशन लाइए। ठीक है, दिखाऊं क्या? ठीक है, आई विल शो इट। दूसरे जो प्रॉब्लम्स आप वो ट्राई कर लीजिए। आई विल शो दिस गिवन transformed, नहीं, we have to find transformed equation. So what is the given original equation? Given original equation is x cos alpha plus y sin alpha equals to p. ठीक है, अब हम लोग के पास ये given है। और information क्या है? Axes are rotated through an angle alpha. ठीक है, यहाँ पे थ्रू एन एंगल टीटा, वेट टीटा क्या है मेरा, अल्फा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग को ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में। अब मुझे क्या मालूम करना है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मालूम करना है। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को सब्जेक्ट रख के हम लोग को वैल्यूज निकालना पड़ेगा। यानी कि स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस टीटा माइनस कैपिटल वाई साइन टीटा, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन टीटा प्लस y cos थीटा। ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल x cos थीटा की जगह पे थीटा क्या है मेरे पास, अल्फा। तो इट इज x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा, स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल x sin अल्फा प्लस कैपिटल y cos अल्फा। ठीक है, तो हम लोग के पास ये सारे वैल्यूज आ गए हैं। हम अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, स्मॉल x का वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज स्मॉल x? What is small x? Capital X cos alpha minus capital Y sin alpha into cos alpha plus small y क्या है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, capital X sin alpha plus capital Y cos alpha into sin alpha equals to p implies x into cos square alpha minus y into sin alpha into cos alpha is sin alpha into cos alpha plus x sin alpha into sin alpha x sin square alpha plus y cos alpha into sin alpha is y sin alpha cos alpha लिख सकते हैं ना, equals to p। अब यहाँ पे देखिए minus x sin alpha cos alpha plus y sin alpha cos alpha cancels। ठीक है, तब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इम्प्लाइज x कॉमन ले सकते हैं। अगर हम x अगर कॉमन लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू p इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या है, 1 है। ठीक है ना। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे थीटा की जगह पे मेरे पास क्या है, थीटा की जगह पे यहाँ पे मेरे पास क्या है, अल्फा है। तो साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1। तो 1 इंटू एक्स, सॉरी एक्स इंटू 1 इज एक्स इक्वल्स टू पी। ये जो है आपका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। देयरफॉर द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज एक्स इक्वल्स टू पी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। Next we will see the another question.